डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यह बहुपद या पॉलिनोमियल एक्स में तो पी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है। अब हमको भागफल यानी कि कोसेंट क्यू एक्स और शेषफल रिमाइंडर आर एक्स निकालना है। तो हमको यहाँ क्या करना है, भाग देना है। तो आइए भाग देते हैं। यहाँ एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री लिख लेंगे और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस टू। सबसे पहले जो पहला टर्म है एक्स क्यू और इसका पहला टर्म एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर में हम ये देखेंगे सिर्फ एक ही टर्म, पहला ही टर्म देखना है कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स क्यूब हो जाए। तो एक्स स्क्वायर में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जो कोसेंट एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लीकेशन पूरे टर्म में होगा, माइनस टू एक्स। अब माइनस कर यहाँ से जैसे भाग में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए प्लस टू एक्स है और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वैसे ही टेक हो जाएगा और प्लस टू एक्स इस प्लस फाइव एक्स के साथ ऐड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सेवन एक्स। आप चाहें तो इसको भी टेक कर सकते हैं यहाँ पर। अब अगला टर्म है, आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो एक बार में सिर्फ एक ही टर्म देखना है तो सिर्फ हम इसकी बात करेंगे। अब एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाए तो आप यहाँ देखेंगे सिर्फ और सिर्फ माइनस थ्री, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस प्लस सिक्स, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस सेवन एक्स और देखिए माइनस सिक्स माइनस थ्री यानी कि माइनस नाइन। अब देख रहे हैं कि यहाँ जो है आपका भाजक से रिमाइंडर छोटा हो गया तब भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ ये एक्स माइनस थ्री, तो आपका पी एक्स ये है, जी एक्स ये है और ये एक्स माइनस थ्री यानी क्यू एक्स, ये आपका भागफल हो जाएगा और ये आपका सेवन एक्स आर एक्स, ये आपका रिमाइंडर शेषफल हो जाएगा। तो इस तरीके से विभाजन एल्गोरिथम से हम कोसेंट, भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ भाग तो देना ही है लेकिन यहाँ लिखा हुआ एक गुणनखंड फैक्टर, ये पहला वाला जो है इस पूरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका मतलब यह है कि यह इसका गुणनखंड पूरा पूरा यह इससे विभाजित हो जाता है, भाग इसमें चला जाता है। यहाँ रिमाइंडर जीरो, शेषफल जीरो मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आठ है, आठ में यदि दो से भाग दें तो दो दो चौको आठ, यहाँ शेषफल क्या मिलेगा, जीरो। इसका मतलब आठ दो से पूरा पूरा विभाजित है, दो आठ का एक गुणनखंड है। ठीक उसी प्रकार हम इस बहुपद से इसमें भाग देंगे और यदि रिमाइंडर शेषफल जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि यह इसका गुणनखंड है। तो इसको ये देख रहे हैं कि यह जो बहुपद है टी में है, तो मान लीजिए यह पी टी आपके पास दिया हुआ है ये, और ये आपके पास जी टी। सबसे पहला टर्म टू टी टू दी पावर फोर है और यहाँ टी स्क्वायर है, तो हम देखेंगे टी स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, टू टू टी टू दी पावर फोर हो जाए। तो यहाँ हम टू टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, टू टी स्क्वायर से ये हो जाएगा टू टी टू दी पावर फोर और ये माइनस सिक्स टी स्क्वायर। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। और ये देख रहे हैं टी स्क्वायर है, टी क्यूब है, तो टी क्यूब का टर्म ऐसे टेक हो जाएगा और ये इससे होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस सिक्स प्लस माइनस टू तो आपका हो जाएगा प्लस फोर टी स्क्वायर। बाकी का टर्म आप चाहें तो टेक कर सकते हैं या सिर्फ एक ही टर्म लिख सकते हैं एक बार में। फिर अगला टर्म है थ्री टी क्यू,
तो आप टी स्क्वायर में यदि 3 + 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यूब हो जाएगा। देखिए तो 3t³ और 3t-3 -90, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ नीचे नहीं है, तो ये 4t² प्लस 90 -90। देखिए प्लस 9 और माइनस 9 कैंसिल हो गया, ये भी टर्म, तो सीधे क्या बचा आपके पास -12। अब आपका टर्म है 4t², तो आप देखेंगे टी स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4 से, तो 4t² हो जाएगा और 4 से -12। साइन चेंज करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो प्लस से माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि आपके पास जो कोसेंट मिला वो मिला 2t² प्लस 3t प्लस 4, और जो रिमाइंडर मिला, जो शेषफल मिला, वो मिला 0। इसका मतलब इसमें जो लिखा हुआ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है तो यह यस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3x⁴ प्लस 6q -2x² -10x -5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके शून्यक, दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह जो बहुपद दिया हुआ है इसका अधिकतम घात 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसके मतलब इसके 4 शून्यक होंगे, 4 जीरोज होंगे, और यहाँ दो शून्यक आपके पास हैं, इसका मतलब बाकी बचे दो शून्यक निकालने हैं। तो यहाँ हम भाग के द्वारा ही शून्यक निकालेंगे, तो अब कैसे भाग देना है, किस में देना है, तो यहाँ सबसे पहले तो आप ये पॉलिनोमियल px लिख लेते हैं 3x⁴, और एक और पॉलिनोमियल चाहिए जिससे हमको भाग देना है, यानी कि gx, और जो कोसेंट आएगा qx, उस कोसेंट से हमको बाकी बचे हुए दो शून्यक मिलेंगे। अब gx कैसे मिलेगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये है, इसका मतलब x इक्वल टू एक शून्यक 5/3 है, तो मतलब x माइनस 5/3, तो एक बहुपद ये हो जाएगा। दूसरा, एक शून्यक दिया हुआ है -√5/3, तो इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा √5/3, तो एक बहुपद ये हो जाएगा। अब इन दोनों बहुपद को अगर मल्टीप्लाई करें तो आप देख रहे हैं a माइनस बी, ए प्लस बी टाइप का है, तो a² - b² हो जाएगा, a² - b², तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस और √5/3 का होल स्क्वायर, तो ये 5/3 इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा gx है। अब ये px मेन बहुपद, मेन पॉलिनोमियल, और ये gx, इस gx से यदि हम भाग देंगे इसमें तो जो कोसेंट मिलेगा उस कोसेंट का फैक्टर करेंगे तो, और ये तो उससे हमको बाकी बचे हुए जीरोज मिलेंगे। अब ये दो घात का है, चार घात का है, तो हमारा जो कोसेंट आएगा वो द्विघात में होगा। तो अब हम इसको भाग देते हैं, सबसे पहला टर्म है 3x⁴, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3x⁴ हो जाएगा। जब 5/3 में से 3x² मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका -5x² हो जाएगा, इसका प्लस माइनस 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 प्लस, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं x³² है, तो ये टर्म ऐसे टेक कर लेंगे, और इसके बाद ये +5 -2, तो ये आपका +3x² है, बाकी टर्म आप टेक कर सकते हैं। अब हमारा टर्म है 6x³, तो आप x² में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो +6x से, तभी x³ आएगा, तो ये आपका 6x³ हो जाएगा, और जब इससे 3 से 2 टाइम कैंसिल, 2 × 5 = 10, -10x हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, x² है, तो ये ऐसे 3x² हो गया। ये देख रहे हैं कि -10x + 10x ये कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ -5, तो आप -5 को टेक कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि x² है, यहाँ लाना आपको 3x² है, तो सीधी सी बात है आपको +3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका 3x² और -5/3 × 3 3 कैंसिल -5, इसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस, ये टर्म कैंसिल हो गए 0। तो आपके पास जो qx मिला वो मिला 3x²
प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री। अब इस कोसेंट का फैक्टर करेंगे तो बाकी बचे हुए दो जीरोज मिलेंगे, तो इसको हम फैक्टर करेंगे कैसे, थ्री थ्री जा नाइन, यानी मल्टीप्लाई करने पर नाइन और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर एक्स का कोफिशियंट तो सिक्स, तो आप थ्री थ्री ले सकते हैं। तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स, इसमें से थ्री एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वन, और ये प्लस है, यहाँ आप थ्री कॉमन ले लेंगे। इस तरीके से आपको फैक्टर मिल जाएंगे और इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ सॉल्व करेंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो दो शून्य दिए हुए हैं और दो शून्य यहाँ से। इस प्रकार इस पॉलिनोमियल्स के इस बहुपद के हमको चार शून्य मिल जाएंगे।